चैनल अगेन भावना और आशु। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जितने भी रिक्वेस्ट हैं जो अभी तक पेंडिंग थे, अब सारे रेसिपी मैं बना डालूंगी आप सबके। इसीलिए पेंडिंग थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि पेंडिंग किसी रीज़न से है, तो मैं रीज़न डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी पहले, मैं सरप्राइज देना चाहती थी आप सब लोगों को। सबसे पहले मैं आपको शुरू से अंत तक चीज़ें बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जब मैं आई थी तो अंकित और आशु रहते थे, मैं जब आई तो अंकित चला गया, वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, तो मैं और आशु रहते हैं। ये आशु बहुत टाइम से रह रहा है इस घर में, तो घर की स्थिति बहुत ज़्यादा मैं ख़राब नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि एज अ बैचलर वो ठीक रहता था, दोनों बहुत अच्छे से रहता था, बट बैचलर के हिसाब से कैसे रहेंगे, इतना बड़ा फ्लैट है और चीज़ें इधर उधर फेंक ही रहती थी ओवरऑल। बट किचन का हालत बहुत ही ख़राब था, ये लोग खाना कम बनाता था, लेकिन पता नहीं कैसे रहता था, किचन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और जिस हिसाब से आप देख रहे हो, ये चीज़ें हमने किया है, मैंने और आशु ने मिलके, पूरा आपको वीडियो मैं आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने मॉडिफाई किया है। लेकिन एक चीज़ और, जब ये किचन स्टार्टिंग था ना, स्टार्टिंग वाला फ्रेम मैंने मिस कर दिया, क्योंकि बहुत ही घटिया था और मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि इसका वीडियो बनाना चाहिए। फिर आशु ने सजेस्ट किया कि अगर चीज़ें तुम खुद कर रही हो तो ज़रूर बनाना चाहिए वीडियो। सो मैं आपके लिए ये पूरा किचन का टूर, समझ लीजिए मेरा किचन टूर, जो आप देखने जाओगे। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे मैंने नेचुरल प्लांट रखा है, मेरे को आर्टिफिशियल प्लांट नहीं पसंद है, मतलब मेरे को बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स नहीं आता है, मेरे को नेचुरल चीज़ों से अच्छा लगता है। हमने एक बार सोचा था कि घर शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन घर शिफ्ट करने में कोई फ़ायदा तो है नहीं, हो सकता है जितना हम यहाँ पे कर रहे हैं ना रेंट, क्योंकि हमारा ये रेंटेड हाउस है, ऑफकोर्स तो रेंट पे करेंगे, तो उसके हिसाब से इतने में हमें बहुत अच्छा घर मिल सकता है और बहुत अच्छे लोकेशन पे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक तो हमारे पास 3 पेट हैं, आपको पता होगा, एक मिनी, मेजर और एक जुलू। जुलू बेचारा का तो छोटा सा स्पेस है, वो उतना ही में खुश रहता है, बट मिनी मेजर का क्या है ना, ये लोग दौड़ते रहते हैं और खेलते खेलते कभी बालकनी से गिर जाते हैं और हमें आइडिया भी नहीं होता कि मिनी है नहीं, तो सिक्योरिटी वाले या सोसाइटी में जो भी लोग देखते हैं वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी बिल्ली जो है वो बाहर घूम रही है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे हम फैमिलियर हो चुके हैं, सब लोग जानते हैं कि बिल्ली इनके घर में, तो सब सेफ़ है। और मिनी कभी गिर भी जाती है ना तो वो सेफ़ रहती है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, ज़्यादा हाइट है नहीं, तो बच जाती है। तो ये सारी चीज़ें सोच के हमें लगा कि यहीं रहना चाहिए, बट हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। चेंज इसलिए क्योंकि जब मैं खाना बनाती थी, जो आप मेरा पहले का वीडियो देखोगे, बट एज अ व्यूअर मेरे को खुद थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आता था, मेरे को लगता था कुछ और करना चाहिए, बट टाइम लग गया थोड़ा सा मॉडिफाई करने में, क्योंकि थोड़ा अच्छा करने में तो टाइम लगता है ना, मैं भी बिज़ी थी और आशु भी बिज़ी था। फिर हमने फाइनली डिसीजन लिया कि मम्मी आने वाली हैं, तो मम्मी के आने से जस्ट पहले कंप्लीट करना ही करना है, चाहे जैसे भी करो। तो ये पूरा किचन मैंने और आशु ने मिलके, पता नहीं कितने रात जागे होंगे हमने, 5-5 बजे तक सुबह तक काम किया है हम दोनों ने मिलके, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है हमने। और मम्मी आई है 13 फेब को, और किचन ओवरऑल जो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, वॉल आर्ट, ये हमने 12 तारीख को कंप्लीट किया था पूरा। ये वॉल आर्ट मैंने और आशु ने मिलके किया है। मैं आपको बता दूँ, आशु बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, उसको आर्ट करना पसंद है, तो मैंने बोला मेरे किचन में थोड़ा कर दो। मेरे को लगा था स्टार्टिंग में कि मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सच में कभी कुछ किया नहीं इस टाइप की चीज़ें, बट उसने मेरे को मोटिवेट करके ये भी करवा दिया, तो मेरे भी हाथ हैं कुछ इसमें। ये देखिए, ये सारा जो आप देख रहे हैं ये आशु का कलाकारी है, और ऊपर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बनाई है। फिर हमने डिसाइड किया जो फर्स्ट वीडियो जाएगा इस मॉडिफाई किचन का, वो मम्मी के हाथ का रेसिपी होगा। सो नेक्स्ट वीडियो आप मम्मी के हाथ का रेसिपी देखेंगे, और बहुत ही मज़ेदार। वैसे तो मम्मी सब कुछ अच्छा ही बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, लेकिन अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि क्या बनाएंगे, ये सब कुछ मम्मी के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो चाहे वो बना सकती हैं, उनका किचन है। एक छोटी सी चीज़ रह गई है यहाँ पे सिग्नेचर करना, मैं और आशु यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि ये हमारा है। सबसे ज़्यादा पता है कब अफसोस आएगा, जब हम ये घर छोड़ के जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है, मतलब हमने ये डिसाइड किया था कि थोड़ा कम मेहनत करेंगे, लेकिन कम मेहनत कुछ नहीं होता है, मेहनत तो मेहनत ही होता है। चलते हैं, हम यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, मैं और आशु। चलो आशु, मैं हूँ भावना,
क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना थोड़ा सा छोटा सा जो किचन है हमारा उसको हम रेनोवेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि रेंटेड हाउस है, क्योंकि हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। हमने ज्यादा किया तो स्पेशली मेरे को तो बहुत डर आएगा कि यार इतना मेहनत किया। सो बहुत ज्यादा नहीं करेंगे बट थोड़ा सा चेंजेस होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि मेरे को खाना बनाने में और मजा आए, क्योंकि ना मेरे को शौक है खाना बनाने को। और यहाँ पे आप देखोगे ये स्पेस थोड़ा कम है तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो इसके लिए थोड़ा अच्छा लगेगा आपको देखने में भी। सो देखिए आगे देखते हैं क्या क्या करना आता है, क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा वॉल को घिसेंगे, फिर मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा कलर करूंगा ओके, ताकि थोड़ा जान आए स्पेस में। ये हमारा वर्किंग, ये इसका वर्किंग स्पेस है तरह से। हमारा किचन स्टूडियो बनेगा छोटा सा, तो हम उसको अपने हिसाब का थोड़ा सा कलर करेंगे, थोड़ा सा पिंच ऑफ फ्लेवर डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसा बनता है। और ये पूरा क्रेडिट जाता है आशु को, क्योंकि मैंने इसको एक बार बोला था कि यार मेरे को मजा नहीं आता है, मतलब मेरे को खाना बनाना अच्छा लगता है इसलिए मैं खाना बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि ये चैनल मैंने कुकिंग का बना रखा है, ये मेरा चैनल है, हमारा चैनल है। मैं जो भी चीजें करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, सो आपको पसंद भी आता है। आई नो दैट। मास्क लगा लो, अब हम घिसेंगे, नाक में जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा पका रही हूँ, आशु बोल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और ये हमारा फर्स्ट कोट कंप्लीट हो गया फाइनली, और आशु कर रहा है सेकंड कोट। मैं बहुत थक गई और मैं रेस्ट कर। आपको मैं बता दूं, आशु बहुत ही बढ़िया वाला आर्टिस्ट है, मतलब
कि पहले क्या करता था, मैंने इसके 7 साल पहले की एक वीडियो देखी थी YouTube पे, इसने बनाया होगा बहुत टाइम पहले, मैं आपको दिखाऊंगी, इनफैक्ट आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है। मतलब शादी से पहले मैंने उसको देखा था वीडियो को और मैं फैन हो गई थी उसकी। क्या कर रहे हो तुम मेजर के साथ? पूछा बेचारा मेजर, इसीलिए बेचारा गंदा हो जाता है। मेजर मेजर उठे बेटा। मेजर मेजर तो आज ही हमारा तीसरा दिन, दूसरा दिन कंप्लीट हुआ है। तो फिर हमारा काम अधूरा रह गया। आज आशु ने फिर से शुरू किया है, तो ये हमारा तीसरा दिन है। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये काम। कितना दिन लगेगा आशु ऐसे कंप्लीट होने में? 10 दिन लगेगा। है तो मेरे को काम आ गया है, मैं जा रही हूँ मछली बनाने। देखिए मैं कैसा मछली बनाती हूँ।
आपको मेरा ये किचन पसंद आया होगा तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा मेहनत, मेरा जज्बा, मेरी चीज़ें अगर पसंद आती है तो मैं आशा करूँगी कि आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे चैनल को देंगे। और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि किसी और को पसंद आ जाए, हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि और चीज़ें मॉडिफाई करूँ, और चीज़ें अच्छा करूँ। मैं जितना आप मेरे चैनल को प्यार करेंगे मैं उतना मोटिवेट होंगी और चीज़ें और अच्छा करूँगी। मम्मी हैं जो हमेशा मेरे को मोटिवेट करती हैं, मम्मी के साथ साथ मेरी पूरी फैमिली जो है वो सब मोटिवेट करती। नहीं भावना, हाँ मतलब आशु भी करता है, आशु भी बहुत ज़्यादा करता है। इनफैक्ट मेहनत तो उसका भी होता है ना, क्योंकि ये किचन जो बनाया या जो वीडियो है वो सब, इनफैक्ट जब मैंने यूट्यूब का सोचा भी नहीं था तो यूट्यूब बनाने का रीज़न तो आशु ही है, तुम ही हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी बनाएंगी खाना और मैं देखूंगी ऑफ कोर्स और मैं खाऊंगी भी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।